हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोग दिवाली का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आप लोगों से मिलकर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपना करवा चौथ का ये फर्स्ट व्लॉग लेकर आई हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही लंबे ब्रेक से आई हूँ, आई नो, पर इस बार मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स भी होंगे जो आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे और आपको एंटरटेन भी करेंगे साथ में। तो आइए व्लॉग शुरू करते हैं और देखिए आप मेरी ये थाली कितनी प्यारी सजी है, सुंदर सजी है। तो मैंने ये थाली करवा चौथ के लिए रेडी की थी क्योंकि मेरे पास में पहले थाली इतनी सजी हुई नहीं थी। सब लोग डेकोरेटिव थाली लेकर आने वाले थे तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव बना लेती हूँ। तो मैंने ये करवा चौथ के लिए छन्नी एंड लोटे को रेडी किया और इसके ऊपर मैंने ये अपना पुराना ब्लाउज पीस यूज़ किया है। इसको मैंने बॉर्डर दे दिए ऊपर दोनों तरफ से ग्लू करके, फिर मैंने इसके ऊपर दोनों ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ लेसेस लगा दी और इसको एक अच्छा सा लुक दे दिया। कॉडी शेल्स मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो मैंने कॉडी शेल की लेस लगाई है यहाँ पर। आप लोग को क्या पसंद है बताइएगा मुझे वर्क में। और ना मैंने ये छन्नी लोटा तैयार करके हम लोग गए पूजा के लिए। और आप लोग ना अगर मतलब मेरा जो रेडी गेट रेडी विथ मी वाला व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है इसमें काफ़ी सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग गलती से बाई कर लेते हैं, जो हम लोग रिग्रेट करते हैं कि हम लोग ने इतने पैसे लगा दिए और ऐसा मेकअप प्रोडक्ट खरीद लिया। तो मैं आप लोग के लिए एक पर्टिकुलर मेकअप रेंज लेकर बता सकती हूँ आपको कि कौन सी स्किन पर आपको कौन सा सूट होगा। तो मुझे बताना, मैं आप लोग के लिए ज़रूर वो भी वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ। मैंने काफ़ी सारी दिवाली की भी शॉपिंग की है तो मैं आप लोग के साथ में वो सारी शॉपिंग शेयर करूँगी जो भी मैंने मीशो से की है या अमेज़न से की है। मैं आपको लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जो मैंने लोकल शॉप से शॉपिंग की है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि आप लोग को एक रफली आइडिया हो जाए, आप लोग को भी कुछ मदद मिलेगी। हाँ, ये चीज़ ठीक है कि ट्रेंडिंग है तो आप लोग भी ले सकते हो। तो मैं उसका भी जल्द से जल्द आप लोग के लिए व्लॉग लेकर आऊँगी। तो वेट कीजिएगा, बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, लाइंड अप है। मुझे बताओ कि ये थाली आपको कैसी लगी है मेरी बनाई हुई। एंड उसके बाद में हम लोग रेडी हो गए, मतलब मैंने मेहंदी लगवाई करवा चौथ पर। और ये मेहंदी मतलब जो हैदराबाद में रहते हैं ऑब्वियसली, ये दीदी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी बहुत रीजनेबल रेट में। तो जिनको भी इनका नंबर चाहिए मैं उनको सेंड कर सकती हूँ तो मुझे बताना। और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। मेरा मेकअप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत फ्लॉलेस स्किन दिख रही थी तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो। और ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने पूजा की, मेरी काकी सास के घर पर हम लोगों ने जाकर पूजा की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग के सारे कास्ट वाले लोग इकट्ठे हुए थे और खूब मस्ती की, खूब वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लिए और बहुत अच्छे से पूजा की हम लोगों ने। और इस तरह से मतलब हम लोग छन्नी एक्सचेंज करते हैं, वो स्टोरी में चार लाइन है, करवो दे भाई करवो ले ऐसे बोल के। इससे ज़्यादा हम लोगों में छन्नी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग वो चांद देखो फिर पति को देखो ये सब हम लोग नहीं करते छन्नी से। हम लोग सिर्फ चांद को देख कर चांद की पूजा करते हैं, उसके बाद हमारे पति परमेश्वर हमको पानी पिला देते हैं। तो हम लोगों में बस करवा चौथ का यही रिचुअल होता है। अब आप लोगों में कैसा होता है, कोई और देख रहा हो अलग रिचुअल है जिनका, तो मुझे बताना ज़रूर। तो बस ये था मेरा करवा चौथ व्लॉग। और भी व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।